बायोलिबिलिटी बेसिकली क्या है कि सबसे जरूरी बात ये जानना जरूरी है कि इट इज द दैट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पहली बात है इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है अनचेंज फॉर्म. क्यों इम्पॉर्टेंट है अनचेंज फॉर्म? क्योंकि देखो, अगर वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी तो उसके मेटाबोलाइट्स भी डेवलप हो जाएंगे. वो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो अगर अनचेंज फॉर्म में रहेंगे, वो अगर वो चेंज हो जाएंगे मेटाबोलाइट्स केमिकली, तो वो भी मौजूद होंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो भी ड्रग का एक पार्ट होंगे. लेकिन हमको सिर्फ वो फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो कि अनचेंज फॉर्म में रहती है. अगर आपने एमोक्सिसिलिन दिया तो वो एमोक्सिसिलिन कैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, एक्चुअल एमोक्सिसिलिन का सॉल्ट अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचेगा, दैट विल बी एक्चुअल बायोअवेलेबिलिटी. एंड अगर हाइड्रोक्सी एमोक्सिक्लोनिक एसिड या कोई भी डेरिवेटिव एमोक्सिसिलिन का आफ्टर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर अगर वो पहुंचता है प्लाज्मा में, तो उसको हम लोग बायोअवेलेबिलिटी का हिस्सा नहीं मानेंगे. ठीक है ना? तो अनचेंज फॉर्म होना जरूरी है. देयर शुड बी रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, नॉट इन टू द पोर्टल सर्कुलेशन, नॉट इन टू द सेरेब्रल सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी बार कितना पहुंचता है, चाहे वो ड्रग एब्जॉर्प्शन के द्वारा इंटेस्टाइन से जाए, चाहे वो ड्रग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा एब्जॉर्प्शन थ्रू द मसल्स जाए, चाहे वो ड्रग डायरेक्टली इंट्रावीनसली जाए, चाहे वो ड्रग सबक्यूटेनियस प्लेन से होकर मसल ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे, चाहे वो ड्रग इंट्राडर्मल इंजेक्शन के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे, देन इट इज ओनली सब्जेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. ठीक, तो सीधी सी बात है, समझ सकते हो कि ना तो ओरली, ना ही इंट्रामस्कुलरली, ना ही सबक्यूटेनियसली, ना ही इंट्राडर्मली, ना ही इंट्राथीकली, ना ही इंट्रा आर्टिकुलरली आप 100% बायोअवेलेबिलिटी अटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रग तो वेस्ट भी होगी, कुछ ना कुछ ड्रग पेरिफेरल सर्कुलेशन में रह जाएगी, कुछ ना कुछ ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रह जाएगी. लेकिन इंट्रावीनसली आप जो ड्रग देंगे वो पूरी की पूरी डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगी, इसलिए बायोअवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावीनस रूट इज ऑलवेज 100%. ओके, अब बायोअवेलेबिलिटी को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ के द्वारा. टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ क्या होता है? दिस, ये जो कर्सर देखो हमारा, ये जो कर्सर है ये देख रहे हो, ये कर्सर एक्स एक्सिस पे जा रहा है. दिस इज बेसिकली टाइम कि एक ड्रग दिया आपने 0 सेकंड पर, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स. वो ड्रग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रही है, और ये ड्रग का जो वाई एक्सिस है इसको हम लोगों ने प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे प्लॉट कर दिया. तो विद द टाइम यू कैन सी दैट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज फॉलिंग, इट इज फॉलिंग. सी द कर्सर, इट इज फॉलिंग. ठीक, ये धीरे धीरे करके विद पीरियड ऑफ टाइम, 0 पे आपने दिया तो बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद धीरे धीरे आपने 15 मिनट्स पे दिया, 15 मिनट्स पे जाकर उसकी बायोअवेलेबिलिटी नियरली 0 हो गई. ये क्यों हो रहा है? अब इस समय डायरेक्टली तुम लोगों से नहीं पूछ सकते, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मेटाबोलाइज हो रही है ड्रग. ड्रग धीरे धीरे कंसंट्रेशन लूज कर रही है अपना, मेटाबोलाइज हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन खत्म होता जा रहा है. ठीक, तो अब ये ड्रग, अब देखिए कि टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ में इट हैज फॉर्म्ड अ पैराबोला. ठीक, एक ये ड्रग 1 है और एक ये ड्रग 2 है. इन दोनों के बीच में बायोअवेलेबिलिटी में कहां पे अंतर है?
कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू एसेस? देखो ड्रग वन जो है वो इनिशियली एकदम से आपने इंट्रावीनसली दी और देर इज 100% कंसंट्रेशन इट हैज अचीव्ड, सो इट इज अ इंट्रावीनस ड्रग, एकदम से वो 20 मिलीग्राम पर ml के कंसंट्रेशन पहुंच गई। लेकिन जो ड्रग आपने ओरली दी वो आप देख रहे हैं कि इट हैज रीच्ड फ्रॉम जीरो लेवल हार्डली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 2-3 मिनट्स ओनली टू 5 मिलीग्राम पर ml। सो तो ये इंट्रावीनसली आपने जो ड्रग दी वो 100% पर पहुंच के ग्रेजुअली वो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे करके देखो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, फिर 3 मिनट में 15 हुआ, फिर 5 मिनट में 10 हुआ। जबकि इसका क्या हो रहा है ड्रग टू का, ड्रग टू जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है और ओवर पीरियड ऑफ 2-3 मिनट्स इट हैज रीच्ड ओनली टू 5 और उसके बाद इसका पीक कंसंट्रेशन था ये। ठीक, और ये पीक कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो गया और ये मेटाबोलाइज होनी शुरू हो गई और 15 मिनट्स में ये और इंट्रावीनस ड्रग दोनों जीरो लेवल पर पहुंच गए। तो आप इसके दोनों के साथ आप जब देखेंगे तो एक एरिया अंडर कर्व बना सकते हैं आप। दिस इज द एरिया अंडर कर्व फॉर ड्रग वन एंड दिस इज द एरिया अंडर कर्व फॉर ड्रग टू। ठीक है ना, ये पूरा एरिया अंडर कर्व, इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो आप इस एरिया को उसको रेगुलेट कर लीजिए। अब आप ये देखिए कि बायोलेबिलिटी कैसे निकालेंगे। बायोलेबिलिटी इज इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, इट इज इक्विवेलेंट टू द एरिया अंडर कर्व। और आप ये देख सकते हैं एविडेंटली एरिया अंडर कर्व ऑफ ड्रग वन इज बेसिकली मोर देन द एरिया ऑफ एरिया अंडर कर्व ऑफ ड्रग टू। आप उसको परसेंटेज निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि एफ विच इज बायोलेबिलिटी इज इक्वल टू सी द कर्सर, एफ विच बायोलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल ड्रग, ठीक है, अपॉन एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावीनस ड्रग इनटू 100%। तो यू कैन कैलकुलेट द बायोलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि इंट्रावीनस ड्रग में 100% होता है और जो आपने किसी भी और रूट से ड्रग दी, चाहे वो ओरल रूट हो, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो, चाहे वो इंट्राडर्मल हो, उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू कैन गेट द एरिया अंडर कर्व। ठीक, तो नाउ अगर कोई पेशेंट, कोई एमआर आपके पास आता है, वो कहता है कि नहीं साहब हमारी ड्रग टू तो बहुत अच्छी है, उसका वो ड्रग आपकी एरिया अंडर कर्व उसका बहुत अच्छा है, उसका बायोलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप उससे ये कहिए कि हमको एरिया अंडर कर्व या टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ दिखाओ उसका। जब उसका टाइम कंसंट्रेशन आप ग्राफ देखेंगे तो आप आराम से उसका कैलकुलेट कर सकते हैं बायोलेबिलिटी, कि हवा में बात कर रहा है कि सही बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हार्डली एरिया अंडर कर्व ऑफ ड्रग वन इज हार्डली 30% ऑफ द एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावीनस ड्रग, सो योर बायोलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू इज 30%। अगर ड्रग थ्री ले लें, वो ड्रग थ्री हम चौक, ब्लैक बोर्ड और चौक तो नहीं है, ना ही मेरे पास इंटरैक्टिव स्क्रीन है, तो मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता। मैं ऐसे बना के दिखा सकता हूं कि दिस इज द एरिया अंडर कर्व ऑफ ड्रग ए एंड दिस इज द एरिया अंडर कर्व ऑफ ड्रग बी। तो आप
आराम से निकाल सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये जो ड्रग बी होगी इसका एरिया अंडर कर्व और इसके एरिया अंडर कर्व को आप इंट्रावीनस ड्रग से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इंट्रावीनस ड्रग से परसेंटेज अगर ड्रग बी का देखा जाए तो वो ज़्यादा है, सॉरी ड्रग ए का देखा जाए तो वो ज़्यादा है ड्रग बी के कंपैरिजन में। इट इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन सी दैट इट इज़ अराउंड 40-50% ऑफ दिस इंट्रावीनस ड्रग एंड ड्रग बी इज हार्डली इट इज 25% ऑफ दिस अंडर इंट्रावीनस ड्रग। सो ड्रग ए हैज गॉट अ मोर बायोअवेलेबिलिटी देन ड्रग बी। ठीक, तो टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ से हम लोग इतना अटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन, बिकॉज एक्चुअली माई हैव अ वेरी बैड थ्रोट, सो आई थिंक दैट हम लोग अगला जो क्लास होगा वो थोड़ा सा देर से करेंगे स्प्लिट करके। पहले तुम लोग इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक, और कुछ नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछो हमसे, फिर हम लोग जब अच्छा एक चीज एक ये स्लाइड और बात कर लेते हैं उसके बाद फिर बंद करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग अवेलेबिलिटी। तो हम लोग सबसे जरूरी चीज फैक्टर्स अवेलेबल अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी में सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावीनस है तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है। अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है तो उसकी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली लेस देन 100% होगी। और अगर वो ड्रग ओरल रूट के अलावा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब ड्रग एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में फंस जाती है, और वो ड्रग जैसे मैंने वैलेंटाइन डे का एग्जांपल दिया था फ्लावर वाली बात, कि ड्रग आपने खाई और वो पोर्टल सर्कुलेशन में लिवर में चली गई, लिवर में जाते ही पहले वो मेटाबोलाइज हो गई और उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। तो जब पहले ही ड्रग मेटाबोलाइज हो गई और सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचेगी तो ऑब्वियसली उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ड्रग जो अनचेंज फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचती है, ना कि उसके मेटाबोलाइट्स। तो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। देन अगर पेशेंट की एंट्रोहिपेटिक साइकिलिंग हो रही है, एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन तुम लोग पढ़ चुके हो फिजियोलॉजी में, क्या होता है एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन, जब ड्रग इंटेस्टाइन में आने के बाद कॉन्जुगेट हो जाए और वो ड्रग कंजुगेट होने के बाद वो उसका लिवर में भी सर्कुलेशन हो रहा हो और इंटेस्टाइन में भी एक्सक्रीशन हो रहा हो, देन इट इज एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। जिसकी एंट्रोहेपेटिक साइकिलिंग होगी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी कैसी होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है एंट्रोहेपेटिक साइकिलिंग के बाद लिवर में जाने के बाद वो फिर से सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो रही है, फिर से अब्जॉर्ब हो रही है लिवर में जाने के बाद, फिर से वो ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो रही है, एंड दैट इज एंट्रोहेपेटिक साइकिलिंग। तो दीज आर सम फैक्टर्स एंड जिसको कि हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बेसिकली इम्पॉर्टेंट। तो पहला फैक्टर तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग अब जो हम लोग अगला क्लास होगा उसमें हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। जब ड्रग एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर लेंगे फिर हम लोग अलग अदर फैक्टर्स पे आएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स फिर और होते हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को अदर देन ड्रग एब्जॉर्प्शन हैम्पर करते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टेकन ओरली, गिवन इंट्रामस्कुलरली और इंट्राडर्मली या इंट्रावीनसली। तो हम लोग पहले वो ड्रग एब्जॉर्प्शन बात करेंगे फिर अदर फैक्टर्स की बात करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, तो उसमें तुम्हें
फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन भी लिखने हैं और अदर फैक्टर्स ऑफ अवेलेबिलिटी भी लिखने हैं। ठीक है, तो आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम थ्रोट पेन, आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो हम लोग इस पे बात करेंगे आगे और डिटेल में, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में हमसे पूछ लीजिए।